मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन ऑफ यूटी। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि जो आपका यूटी होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। जैसे कि आपने देखा था कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम था वो गूगल सीट पे ही हुआ था, और गूगल सीट पे कैसे कर रहे थे आपको मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ कि जिससे आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गूगल शीट पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम में। क्रोम में जाके गूगल फॉर्म आपको सर्च करना होगा, जैसे कि यहाँ पे गए गूगल फॉर्म, या आपने गूगल फॉर्म को ओपन किया, ठीक है। ये आपको सबसे पहले जो आया था गूगल फॉर्म वाला, उसको आपने ओपन कर लिया। ओपन करने पे यहाँ पे आ रहा है पर्सनल और बिजनेस, तो सबसे पहले आपको जाना है पर्सनल वाले पे। गो टू गूगल फॉर्म नाउ। तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसे ब्लैंक, ब्लैंक क्विज। तो हमें अब एक ब्लैंक वाले पे क्लिक करना है। तो ये हमने एक ब्लैंक वाले पे क्लिक कर लिया। अब इससे हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे मान लो मुझे पेपर बनाना है तो टाइटल ले लेता हूँ यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं यूनिट टेस्ट है क्लास 7th मैथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन डालेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पैराग्राफ, फिर चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, और ये बहुत सारे ऑप्शन अदर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जो क्वेश्चन बनाना है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो मल्टीपल चॉइस को चूज करोगे, शॉर्ट आंसर बनाना है तो शॉर्ट आंसर। जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ पे टीचर्स बनाएंगे नेम, नेम एंड रोल नंबर, नेम और रोल नंबर। अब ये देखो आपको ऑप्शनल वाले चूज आ रहे हैं, यानी मल्टीपल, तो हम इसको मल्टीपल नहीं रखेंगे, और ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर। यानी शॉर्ट आंसर यहाँ कि जब तक बच्चा यहाँ पे अपना नेम और रोल नंबर नहीं निकलेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, और हमें ये रिक्वायर्ड नहीं लगाना होगा। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे आप आगे इसके नहीं जा सकते हो। इसके बाद आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, जैसे लिखा हुआ आ रहा है आपको ऐड क्वेश्चन, फिर इंपोर्ट क्वेश्चन, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ऐड इमेज, ऐड वीडियो एंड ऐड सेक्शन, यानी अलग अलग सेक्शन। तो जैसे ऐड क्वेश्चन करना है, यहाँ पे मैंने ऐड क्वेश्चन कर डाला तो हमारे को ये क्वेश्चन करने को आ गया। तो जैसे द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज ₹10, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन। अब ये आ गया द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज ₹10, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन, ठीक है। तब ऑप्शन 2, 20, 10 और फिर नन, ठीक है। तो हमने ये दे दिया। अब इसके बाद से अब चूज कैसे करेंगे, हमने ये देखो 2, 10 और 2, 20 एंड 10। अब इसमें से 5 पेन का जो था वो ₹10 था, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले तो अब ये आपको रफली सॉल्व करना होता है। तब देखो क्वेश्चन पेपर जब टीचर्स बनाते हैं तो यहाँ पे आ गए ऑप्शन डाल दिया, अब इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
ठीक है, ये हम राइट ऑप्शन चूज करेंगे अभी यहाँ पे। तो आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट पेपर इस टाइप से हो सका कि ऑनलाइन टेस्ट में आपको जैसे ये लिख दिया ईमेल एड्रेस, और स्टार जब बना हुआ है, स्टार का मतलब है ये कंपलसरी चीज़ें हैं ऑनलाइन टेस्ट में, जहाँ भी स्टार बना होगा वो कंपलसरी है। अगर आपने गलत डाला तो आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती ये बच्चों ने किया है पेपर में, वही गलती आप लोग यूटी में ना दोहराए। मैं इसलिए स्पेशली बनाया हूँ ये वीडियो ताकि आप ध्यान रखोगे कि ईमेल एड्रेस जो है हमेशा सही होना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट में। फिर आपका नेम एंड रोल नंबर, देखो नेम दिखाना, योर नेम, नेम के आगे भी आपका स्टार लगा हुआ, इसका मतलब है ये भी कंपलसरी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, कि द कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज पेन इज 10 और फिर द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू दिस, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सा रही थी। तो अब ये देखो आपका जो क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, अब आपके पास ऑप्शन क्या, 4 इंटू साइड, 4 इंटू वर्टेक्स, साइड इंटू साइड, नन। अब इसमें से आप इसको जैसे क्लिक करोगे जैसे ये आ गया, ठीक है, आप इसको सबमिट भी कर सकते हो। अभी तो मैं ये कर रखा हूँ क्योंकि मैंने ही पेपर बनाया है, इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता, बट आप जब क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन पे हो जाएगा वो पूरा एडिटिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आप सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -2 × 0, फिर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, फिर आप ऑप्शन में से कोई भी चूज कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो क्विज के बेस पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाए हैं, इसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे ये सब चीजें हैं, टीचर देख सकता है सिर्फ कि रेस्पॉन्स कितने हैं और टोटल मार्क्स, और आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे टीचर्स के पास रेस्पॉन्स आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये, तो ये मेरे पास है कुछ ऑनलाइन एग्जाम, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ क्लास में आए थे, अब देखो ये क्लास 9th का है। अब इसमें देखो मेरे पास क्वेश्चन ये हो गए, ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये देखो मुझे रेस्पॉन्स नजर आ रहे हैं, तो ये देखो ये सारे के सारे रेस्पॉन्स टीचर के पास अवेलेबल हो जाते हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर पूरा डिटेल। अगर चाहे टीचर तो इंडिविजुअल सबका निकाल सकता है, देखो डाटा किसी भी स्टूडेंट का पूरा इंडिविजुअल डाटा निकाल सकता है, ये देखो पूरा A to Z स्पेशली आ जाता है। तो इसलिए आप अपने एग्जाम टाइम पे कोशिश ना करेंगे चीटिंग करने की, ताकि आपका डाटा गलत जाए, और अगर आप गलत करते हो तो फिर टीचर्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, ठीक है। फिर वो देते हैं, ये हमारा है बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको जो है ये ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन करते वक्त पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करें और टेस्ट प्रूफ करना है। अब हम इसके बाद और एक कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ कि आप प्रॉपर हैं। अब इसके बाद जो है हम देखो टीचर जब पेपर बनाता है तो आपका प्रीव्यू भी चेक करता है, प्रीव्यू करने के लिए टीचर्स देख सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, इसमें क्या क्या शेयर किए हैं और क्या नहीं किए हैं। तो जैसे पेपर बनाने के बाद ये हमारा प्रीव्यू है, टीचर प्रीव्यू चेक करता है कि क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीव्यू के बाद जो है हमारा और भी पोर्शन आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे एड ऑन, कस्टमाइज थीम्स, प्रीव्यू, सेटिंग। अब देखो सेटिंग में क्या काम होता है,
सेटिंग में जनरल सेटिंग होती है जो स्पेशली फॉर टीचर्स के लिए है। अब आपको देख रहा हूँ नज़र आ रहा है कलेक्शन ईमेल एड्रेस। कलेक्शन ईमेल एड्रेस का मतलब है जो भी बच्चा अगर सबमिट करेगा उसकी पूरी डिटेल टीचर्स के पास आ जाएगा ईमेल के थ्रू। रिक्वायर्ड साइन इन, कम से कम साइन के बगैर बिल्कुल नहीं आएगा। लिमिट टू रेस्पॉन्स, अब यहाँ देखो लिमिट वन टू रेस्पॉन्स करने से बच्चा केवल एक बार ही पेपर दे सकता है, ध्यान रखें। लिमिट टू वन रेस्पॉन्स का मतलब केवल एक बार ही दे सकता है, वो एक से ज्यादा पेपर नहीं दे सकता है। एडिट आफ्टर सबमिशन, सी समरी चैट एंड टेक्स्ट रिटर्न, तो ये सब आप बंद रखोगे। फिर प्रेजेंटेशन में ये बार ग्राफ है जो भी आप चाहते हो शो कर सकते हो। क्विज, क्विज में देखो लिखा है मेक द क्विज, क्विज बनाना है तो क्विज के लिए हो जाएगा। रिलीज मार्क, अगर आप चाहते हो कि बच्चे अपना मार्क्स अपने आप देख सके तो इमिडिएटली आफ्टर द ई सबमिशन, तो आप इसको सेलेक्ट करो, और अगर आप चाहते हो नहीं देखें तो इसको बंद कर देना। रेस्पोंडेंट कैन सी, अगर आप चाहते हो कि जो बच्चा है अपने आप देख ले कि वो कौन कौन से क्वेश्चन मिस किया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और आप चाहते हैं कि करेक्ट आंसर भी बच्चा देखे तो ये, बट आप इससे एक दिक्कत है कि वो बच्चे करेक्ट आंसर चेक कर लेंगे तो फिर वो दोबारा से भी कर सकते हैं, इसलिए इसको बंद कर देना ताकि बच्चे करेक्ट आंसर ना देख सकें और उसमें डाउटफुल ना रहे। पॉइंट वैल्यू आप करेक्ट करेंगे जिससे कि सभी बच्चे अपने नंबर खुद ही चेक कर लें, और उसके बाद आप इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद जब भी बच्चा करेगा उसको अपने स्क्रीन पे अपने आप ही नंबर पता चलेगा। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन थी ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे पेपर कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से ये है गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन बनाने का। गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन बनाने से बेनिफिट ये है कि टीचर्स को बनाने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके बाद वो आसानी से आपका वेस्टेज ऑफ पेपर भी बचता है, टाइम भी बचता है और इजीली हो जाता है, और ना तो हमें कोई दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा यूटी होने वाला है तो टीचर्स ने भी ही ज़्यादातर यूज किया है कि गूगल फॉर्म पर ही यूटी लेंगे, जिससे कि बच्चों को आसानी से स्कूल आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस समय बीमारी की वजह से सभी लोग परेशान हैं तो लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए सभी टीचर्स ने इस बार जो गूगल फॉर्म पे ही पेपर बनाया। सो आई होप आप सभी इस तरह के पेपर्स की तैयारी कर लेंगे गूगल फॉर्म पे कैसे करना है और अच्छे से पेपर देंगे। थैंक यू सो मच।